गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं जा रही थी मेकअप करने, बट मैंने सडनली देखा कि मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, डेड स्किन बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने क्या किया, अभी मैं करूँगी स्क्रब। स्क्रब करने के बाद फिर करेंगे मेकअप, रेडी होंगी। आईब्रो मैंने बनाया नहीं है, देखती हूँ टाइम लग गया तो बना लूँगी, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। तो स्क्रब करने से पहले आपको अपने फेस पे अच्छे से क्लिंजिंग मिल्क करना होता है। तो क्लिंजिंग मिल्क के लिए मैंने इसका पूरा डिटेल कल की वीडियो में अपलोड किया है। अगर क्लिंजिंग मिल्क का क्या क्या फ़ायदा होता है, कैसे यूज कर सकते हो, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए क्लिंजिंग मिल्क यूज़ करते टाइम, उस पर डिटेल वीडियो जा चुकी है, तो जाके चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्लिंजिंग मिल्क ले रही हूँ अपने हाथों पे, एंड इसको फेस पे अप्लाई करेंगे और मसाज करेंगे। तो क्लिंजिंग मिल्क को कम से कम 2 से 4 मिनट तक करेंगे फेस पे मसाज। पानी लिया है मैंने यहाँ पे आधो फिल्टर वाला, तो फिल्टर वाला पानी लोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। आज है रक्षाबंधन, तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। एंड मैं भी रेडी होने वाली हूँ, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, जाना है मुझे अपने भाई के घर जो कि यहीं पे रहते हैं लोटस पार्क में। मेकअप मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करूँगी, कैसे करने वाली हूँ, क्या करने वाली, सारी डिटेल वीडियो जाएगी तो चैनल पे बने रहिएगा। मैं चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोज़ आप लोगों से मिस ना हो, एंड मेरी ब्लॉग वीडियोज़ भी। यहाँ पे मैंने टीका लगाया था बट वो निकल नहीं रहा, आई थिंक नहीं निकलेगा, ये कलर टाइप का हो गया है। चलो कोई नहीं, तो इसको रिमूव करूँगी मैं मेकअप में, तो देखना कैसे रिमूव करती हूँ। अभी मैं नई नई शिफ्ट हो गई हूँ दोबारा से नोएडा, तो जिसकी वजह से कोई भी सामान प्रॉपर जगह पे है नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा सब कुछ अरेंज करने में, एडजस्ट करने में। तो जो चीज़ें मिलता है मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाती हूँ, बिल्कुल वीडियो जो हेल्पफुल होती है आप लोग के लिए। अगर आप क्लिंजिंग मिल्क अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको कोई फेस वॉश सूट नहीं करता है, तो आप क्लिंजिंग मिल्क को फेस वॉश की जगह पर यूज कर सकते हो, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे अपने फेस पर। तो ये मैंने क्लिंजिंग मिल्क अप्लाई कर दिया है और इसको साफ कर दूंगी। देखते हैं माथे पे जो टीका है वो स्क्रब से निकलता है या नहीं निकलता है। तो क्लिंजिंग मिल्क साफ करने के बाद से काफ़ी फेस फ्रेश लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने अभी नहाने के बाद, पूजा करने के बाद मैंने दोबारा से थोड़ा सा काम कर लिया था, 2-3 पीसेज बचे हुए थे जिसको मुझे अभी आज ही देना है, तो उसके लिए मैंने काम किया था, जिसकी वजह से पसीना हो गया और फिर पता नहीं कि फेस बहुत डल दिख रहा था। फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैजिक अरोमा का स्क्रब, फ्रूट स्क्रब। काफ़ी अच्छा स्क्रब है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ करी, इसका ग्लो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और खुशबू भी बहुत अच्छी है, फलों जैसी खुशबू आती है मिक्स फ्रूट की तरह। फिर पूरे फेस पर इस तरीके से अप्लाई करना है, बिल्कुल लाइट हाथों से मसाज करना है, ज़्यादा नहीं रगड़ने हैं क्योंकि इसमें दाने बहुत हार्ड होते हैं जिससे आपकी स्किन पे कुछ नुकसान भी हो सकता है, इसलिए बिल्कुल हल्के हाथों से आपको स्क्रब करना है। हम लोग हमेशा अपने फेस का ख्याल रखते हैं बट गर्दन का ख्याल नहीं रखते, जितना सेंसिटिव हमारा फेस होता है उतना ही गर्दन भी होता है, तो फेस और गर्दन का दोनों का बराबर ख्याल रखिए। बिल्कुल हल्के हाथों से स्क्रब को कम से कम 10 मिनट करना है। स्क्रब करने के बाद आपको अपने फेस में एक अच्छा सा ग्लो देखने को मिलता है और जितने भी डेड स्किन होते हैं, डलनेस होती है, डार्कनेस होती है, जो पपड़ी टाइप के चेहरे पे आ जाती है कई बार, वो भी रिमूव हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इस तरीके से मसाज करते जाएंगे। इतना ज़्यादा भाग दौड़ है, इतना ज़्यादा काम है, प्रेशर है, टेंशन है, जिसकी वजह से फेस और बालों का तो केयर बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा, लेकिन अब प्रॉपर केयर करनी है और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। इस तरीके से आपको अपने फेस पे, फोरहेड पे, सब जगह मसाज करना है 5 से 10 मिनट तक। हमारे नाक के आसपास एंड नाक पे सबसे ज़्यादा ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे जो होती है बहुत ब्लैक दिखते हैं नोज पे, कई बार बालों की तरह छोटी छोटी सी ब्लैकहेड्स दिखते हैं, उस पर आप अच्छे से स्क्रब करते हो तो वो रिमूव हो जाते हैं।
इसी तरीके से आपको 10 मिनट तक मसाज करना है। फ्रेंड, इस तरीके से मैंने 10 मिनट तक कर लिया है। अब इसको साफ कर लेंगे एंड इसके बाद आपका फेस है जो वो मेकअप करने के लिए रेडी हो चुका है। अभी मैं मेकअप स्क्रब कर रही थी तब तक कस्टमर आ गए थ्रेडिंग के लिए, तो मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग करने और फिर उनसे मैं मेकअप के टाइम पे। ऐसे ही आपको अपने फेस को रेडी करना है मेकअप करने से पहले। अगर आप मेकअप नहीं करें तो अभी भी आपको वीक में कम से कम 2 बार आपको इस तरीके से करना है, अपने स्किन को हेल्दी ग्लोइंग एंड सॉफ्ट स्मूथ बनाने के लिए, ब्लैक हेड डेड स्किन डलनेस को रिमूव करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। तो फ्रेंड्स, क्लिनजिंग विल से अच्छे से नहाने के बाद से पूरा फेस काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है एंड जो भी डलनेस थी डार्कनेस थी वो रिमूव हो गई है। आँखों में थोड़ा सा चला गया था क्लिंजिंग मिल्क, जिसकी वजह से रेड हो रहे हैं, तो इग्नोर कीजिएगा उस चीज़ को। लेकिन आप इस तरीके से अगर क्लिंजिंग मिल्क को अप्लाई करते हो अपने फेस वॉश की जगह पे, तो आपका स्किन पे जो भी डार्क स्पॉट्स हैं या फिर डलनेस है, जो एजिंग की प्रॉब्लम होती है, वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। काफ़ी अच्छा लुक आपको अपने फेस का देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा ग्लो करोगे और स्किन को काफ़ी हेल्दी दिखने लग जाएगी। तो आप इस तरीके से क्लिंजिंग मिल्क को अपने फेस एंड बॉडी पे यूज़ कर सकते हो फॉर बॉडी वॉश एंड फेस वॉश की जगह पे, और कोई भी दिक्कत भी नहीं आएगी आपकी स्किन पे। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरीके की और भी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।